तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक वीडियो में। अभी आप देख पा रहे हैं ये है होंडा की SP125 BS6। बाइक का टैपिट को सेटिंग करने जा रहा हूं। तो टैपिट सेटिंग करने के लिए हमें इसका जो टैंकी है वो हमें ओपन करना होता है, और टैंकी ओपन करने से पहले हमें जो है यहां से पेट्रोल पाइप खोलना होता है। और पेट्रोल पाइप जब भी आप डायरेक्ट निकालेंगे तो सारा पेट्रोल जो है डायरेक्ट गिरने लगता है, तो इसलिए आपको जो है टीप और कंटर कोई भी लगा लेना है पेट्रोल स्टॉक करने के लिए। जो कलर जो उड़ा हुआ है यहाँ से जो है इंजन ऑयल भी टपक रहा था, इंजन ऑयल लीक कर रहा था इस जगह से, तो हमने ये भी खोला है तो इसे भी हम लगाएंगे। इसका ये देखिए ये रबड़ है, ये रबड़ होता है इसमें, इसी रबड़ को हम रहने देंगे, सिर्फ हम रेसी बॉन्ड डाल देना है इसके अंदर और फिर से हम लगा देंगे। और ये होता है इसका ढक्कन, ये ढक्कन होता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि टैपिट को कैसे सेटिंग करना है। टैपिट सेटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, ये मैग्नेट का कवर खोल लेना है। बेहतर हुआ आप कवर खोल लें, अगर नहीं भी खोलते हैं तो भी मैं किक के जरिए से जो है पिस्टन को टॉप पे ले आता हूँ, टाइमिंग मिला लेता हूँ और वहाँ से जो है फिर हम टैपिट को सेट कर लेते हैं। टैपिट इसका काफ़ी ज़्यादा लूज है, ये आवाज़ भी कर रहा था लेकिन मैंने आपको दिखा नहीं सका क्योंकि पहले ही हमारे जो स्टाफ लोग हैं उन्होंने ये सब चीज़ें खोल दिया था। तो गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैपिट का जो एडजस्टिंग है वो कितना एमएम करना है। हमारे पास देखिए ये फिलर गाइड भी है। आप लोग बहुत सारे वीडियो में पूछते हैं कि सर टैपिट का जो क्लियरेंस है कितना एमएम रखना चाहिए। ये देखिए तो इतना सारा इसमें ब्लेड दिया हुआ है, ये देख सकते हैं हर तरह का जो है हर एमएम का है, सभी गाड़ी का, दो चक्का से लेकर 12 चक्का तक या 20 चक्का तक जितना भी होता है सभी गाड़ियों के लिए इसमें दिया गया है दोस्तों, बिल्कुल देख सकते हैं। तो हमें इनमें से कौन सा इस्तेमाल करना है इस बाइक के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो गाइस ये दोनों हमें जो है काम में लाना है, यही दोनों, ये है 0.13 mm और ये है 0.8 mm, इसी दोनों से हम जो है टैपिट को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बता दें ये हो गया इनलेट बल्ब इनटेक जिसे हम बोलते हैं, और ये हो गया एग्जॉस्ट बल्ब जिधर से कि एग्जॉस्ट निकलता है साइलेंसर के साइड का हुआ ये वाला टैपिट, और ये हो गया कार्बोरेटर के साइड का थ्रोटल बॉडी के साइड का। तो हमें इस साइड में रखना है 0.08 mm रखना है, ठीक है। और इधर हमें जो रखना है 0.13 mm रखना है, ठीक। तो इतना हमें इसके हिसाब से सेटिंग करना है। तो यहाँ पे पहले मैं कवर खोल के इसका टाइमिंग मिलाता हूँ। खुल गया है और मैग्नेट बिल्कुल सूखा है। ये SCG स्टार्टर सिस्टम होता है जिसमें कि सेल्फ मोटर बाहर नहीं होता, सेल्फ जो काम करता है ये डायरेक्ट इसी मैग्नेट से काम करता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ टाइमिंग सेटिंग करने के लिए। एक तो चैम्बर पे यहाँ पे एक निशान दिया हुआ है, ये देख लीजिए, एक ये निशान आपको देखना है। दूसरा आपको मैग्नेट में देखना है, यहाँ पे देखिए मैग्नेट में जो है एक टी लिखा हुआ है, टी बना हुआ है, ऊपर से देखा दोबारे, ये जो टी दिया हुआ दोस्तों इस टी को हमें क्या करना है इस बीच में ले आना है, ठीक है। इस लकीर से दोनों जो है आपस में हमें कनेक्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो है टाइमिंग मिल चुका है, टाइमिंग चेन का हेड का जो कैम होता है वो टाइमिंग पे आ चुका है, और पिस्टन जो है बिल्कुल टॉप पे आ गया, ऊपर साइड में आ गया है। इसका जो टैपिट है दोनों लूज हो गया, यानी कि इसका जो बल्ब है वो दबा हुआ नहीं है, इस समय भी फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसका जो टैपिट है कुछ ज़्यादा ही प्ले हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा नज़दीक लो, रोकर जिसे हम बोल सकते हैं, और ये रोकर जो है कुछ इतना प्ले है आप देख सकते हैं। यही रोकर प्ले हो जाने की वजह से टिक टिक जैसा आवाज करने लगता है, और इसके साथ ही ये तो इनलेट हो गया और ये एग्जॉस्ट हो गया। ये देखिए एग्जॉस्ट वाला जो रोकर है कुछ ज्यादा ही लूज है। चलिए दोनों को हम सेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जॉस्ट वाले के लिए आपको 13 mm का निकालना है और इनलेट वाला के लिए आपको 8 mm का निकालना है। ये देखिए ये ब्लेड जो है पूरा एकदम फ्री जा रहा है अंदर। अब मुझे जो है इसका टैपिट को सेटिंग करना है। टैपिट सेटिंग करने के लिए आपको 8-9 का पाना चाहिए। ये देखिए ये 9 नंबर का हमारे पास ये पाना रिंग पाना है, और इसके जरिए से पहले हम ऊपर का ये नट लूज करेंगे। मोबाइल खोलता है, ये ऊपर का जो नट है ये लूज कर लेना है। लूज करने के बाद देखिए
ये इस तरीके से पूरा फ्री रहता है। थोड़ा नज़दीक कर लो, नज़दीक कर लो। ये जो ऊपर जो देख रहे हैं, ये स्क्रू बोल्ट हुआ, ये नट हुआ, ये पूरा फ्री है। ये मैंने इसको लूज कर दिया, ठीक है। तो इतना लूज करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस बोल्ट जो है इससे लूज कर देना है आपको इस स्क्रू को। और फिर हम क्या करेंगे, अब इस फिलर गाइड को हम लगाएंगे 13 mm वाले को। ये हमने लगाया और अब हमें इसे टाइट करना है ऊपर से। तो मैं ऊपर से नट को टाइट किया है, ये ऊपर से बोल्ट को टाइट किया है, नट को अब मैं टाइट कर रहा हूँ। देखिए, हमने जो नट को टाइट किया तो ये थोड़ा जो है ये फिलर गाइड जो है अभी टाइट है, ठीक है। मैं इसे ऊपर आगे पीछे भी कर रहा हूँ, देख सकते हैं। अब मैं ऊपर से इस नट को जो है एडजस्ट कर दूंगा, टाइट कर दूंगा। हमें यहाँ पर थोड़ा दूर से देखा, दूर से हमें इस टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। इसके ज़रिए से हम इसको टाइट करेंगे। हमने हल्के हाथों से इसको टाइट किया है, हल्के हाथों से हमने इतना टाइट किया है कि इस ब्लेड को हम बाहर खींच सकते हैं। अब इस नट को हम टाइट करेंगे। नट को हमने फुल टाइट किया और ब्लेड को हम बाहर खींचते हैं। अब दोस्तों, एग्जॉस्ट वाला जो टैपेट है ये टाइट हो चुका है, इसे हम एडजस्ट कर चुके हैं। अब मुझे जो है इनलेट वाला को एडजस्ट करना है। अब इनलेट को हम चेक करेंगे इस ब्लेड को लगाकर। तो मैं देख रहा हूँ कि ये भी बिल्कुल फ्री है, देख सकते हैं झलका, जो ये भी पूरा फ्री है, ये देखिए। और ये लगाने के बाद भी जो है ये टैपेट जो है ऊपर नीचे प्ले रहता है। इसको भी हम उसी तरीके से सेटिंग करेंगे। ये इनलेट वाल्व है और इनलेट वाल्व जो हम सेटिंग करेंगे, तो इससे पहले मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये ब्लेड आपको देख लेना चेक करके, तो ब्लेड पूरा फ्री है। हमने इस नट को लूज कर दिया, ठीक है। अब जो है हम ऊपर से बोल्ट को हम इस टूल्स की मदद से टाइट करेंगे, थोड़ा दूर कर। तो इस ब्लेड को हम इतना लूज रखेंगे कि हम बाहर खींच सकते हैं। इस नट, इस बोल्ट को हम इतना टाइट करेंगे कि हम इस ब्लेड को हम आराम से खींच सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा टाइट लगे। तो हमने इसे टाइट किया, ये देखिए अभी ये फ्री है। और हम धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, इतना ही हम टाइट करेंगे और हम इस ब्लेड को बाहर देखिए हम खींच सकते हैं। ये देखिए बाहर खींच पा रहे हैं। अब इतना रखना है हमें और इस जगह जो है हम नट को टाइट कर देंगे। अगर ये नट बोल्ट से जाम रहता है तो आपको टैपेट मिलाने वाला वो टूल्स भी लगाना होगा। ये नट बिल्कुल फ्री है इसलिए मैं टूल्स नहीं लगा रहा हूँ। हमने ये टाइट कर दिया, अब इसे चेक कर लेते हैं। दोस्तों मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए ये ब्लेड जो है हम अंदर भी डाल पा रहे हैं, इतना हमने इसको लूज रखा है, ठीक है। और हाथ से भी अगर चेक करेंगे तो ऊपर नीचे जो है ये पले हमें दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है, यानी कि कुछ हमें पले रखना है, ऐसा नहीं कि हम फुल टाइट कर देंगे। अब दोनों नट ऊपर से जो है ना फुल टाइट कर देना है। अब दोनों टैपिट जो है हल्का पले भी रहा, अब थोड़ा दूर से देखा। तो टैपेट मिलाने से पहले आपको ये टाइमिंग ज़रूर मिला लेना है, टाइमिंग हमने मिला के ये काम किया।
अब हम क्या करेंगे, दो तीन बार हम किक दबाएंगे और फिर से एक बार टैपेट को चेक करेंगे, जो रियल तरीका होता है। ने मारा उधर से, अब मुझे फिर से चेक करना है एक बार टैपेट को। इसी तरह से टाइमिंग आपको मिला देना है। तो जहां तक दोस्तों मैं देख रहा हूं कि जैसा कि हमने इसको मिलाया था जस्ट उसी तरीके से ये मिला हुआ है। तो जहां तक मैं देख रहा हूं जिस तरीके से हमने मिलाया था सेम उसी तरीके से है, यहां पे ना टाइट हुआ ना लूज हुआ, जैसा हमने फिलर गाइड की मदद से ब्लेड की मदद से मिलाया इसको सेट किया उसी जगह ये पड़ा हुआ है। चलो अब हमें पूरा जो है सारा सिस्टम हमें लगा देना है, हर कवर लगा देना, फिर बाइक को स्टार्ट करके हम चेक करते हैं।